أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزال الله ما الشيطان أنحى فأخرجهما مما كان فيه وقلنا

जिस ऐश में वो थे उससे उन्हें निकाल कर रहा और हमने आदम उनकी बीवी और इबलीस से कहा अब तुम सब जहाँ से उतर जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो गए और तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक ज़मीन में ठहरना और किसी क़दर फ़ायदा उठाना तय कर दिया गया है तफसीर यानी शैतान ने उन्हें बहकाकर उस दरख्त का फल खाने पर अमादा कर दिया और बहाना यह बनाया कि यूँ तो ये दरख्त बड़ा मुफ़ीद है क्योंकि उसको खाने से अपदी ज़िंदगी हासिल हो जाती है लेकिन शुरू में आपको इसलिए मना किया गया था कि आपकी जिस्मानी कैफियत उसको बर्दाश्त ना कर सकती थी अब चूँकि आप जन्नत के माहौल के आदि हो गए हैं और आपके कवि मजबूत हो चुके हैं इसलिए अब वह ममानियत बाकी नहीं रही उस वाक्य को मजीद तफसील के लिए देखने सूरत एराफ मतलब यह है कि उस वाक्य के नतीजा में आदम और उनके अहलिया को जन्नत से और शैतान को आसमानों से नीचे ज़मीन पर उतरने का हुक्म दे दिया गया साथ ही ये भी बता दिया गया कि इंसान और शैतान के दरमियान रहती दुनिया तक दुश्मनी कायम रहेगी और ज़मीन का यह क़्याम एक मिन मुद्दत तक होगा जिसमें कुछ दुनियावी और फायदे उठाने के बाद सबको बिल आखिर अल्लाह ताला के पास दोबारा पेश होना होगा फतलमो मबी कले मौत रहीम फिर आदम ने अपने परवरदिगार से तोबा की कुछ अल्फाज सीख लिए जिनके ज़रिए उन्होंने तोबा मांगे चुनाचे अल्लाह ने उनकी तोबा कबूल कर ली बेशक वो बहुत माफ करने वाला बड़ा मेहरबान है तफसीर जब आदम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह परेशान हो गए लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह ताला से किन अल्फाज में माफ़ी मांगे इसलिए जबान से कुछ निकल नहीं रहा था अल्लाह ताला ने जो दिलों के हाल से भी खूब वाकिफ है और रहीम व करीम भी है उनके इस कैफियत के पेश नज़र ख़ुद ही उनको तोबा के अल्फाज सिखाए जो सूरत अहराफ़ में मजकूर हैं कौल रुपना जुलमना अन फुसना वम लना व तरह हमना लानन्ना मिनल ख़ास हमारे परवरत और हम अपनी जानों पर जुल्म कर गुजरे हैं और अगर आपने हमें माफ़ नहीं फरमाया और रहम पर रहम ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे इस तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन पर भेजने से पहले इंसान को यह तालीम दे दी कि जब कभी नफ्सियाती ख्वाहिशात या शैतान के बहकावे में आकर उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसे फौरन अल्लाह ताला से तोबा करनी चाहिए और अगरचा तोबा के लिए कोई ख़ास लाजमी नहीं है, बल्कि हर वो जुमला जिसमें अपने किए पर नदामत और आंदा गुनाह ना करने का इरादा शामिल हो इसके जरिया तोबा मुमकिन है लेकिन चूँकि ये अल्फाज खुद अल्लाह ताला के सिखाए हुए हैं इसलिए इन इनफ़ाज में तोबा करने से कबूलियत की ज़्यादा उम्मीद है यहाँ यह बात भी समझने की है कि जैसा कि पीछे आयत से वाज होता है अल्लाह ताला ने शुरू ही से आदम को ज़मीन पर अपना नायब बना कर भेजने के लिए पैदा फरमाया था लेकिन ज़मीन पर भेजने से पहले उन्हें जन्नत में रखने और उसके बाद के वाकयात का तकवीती तकवीनी मकसद बजहिर यह था कि एक तरफ हज़रत आदम जन्नत की नामतों का ख़ुद तजर्बा करके देख लें कि उनकी असल मंजिल क्या है और ज़मीन पर पहुँचने के बाद उस मंजिल के हसूल में किस किस्म के रुकावटें पेश आ सकती हैं और उनसे निजात पाने का क्या तरीका होगा चूँकि फरिश्तों के मुकाबले में इंसान का इम्तियाज़ ही यह था कि उसमें अच्छाई और बुराई दोनों की सलाहियत रखी गई थी इसलिए ज़रूरी था कि उसे ज़मीन पर भेजने से पहले ऐसे तजर्बे से गुजारा जाए पैगंबर चूंकि मासूम होते हैं और उनसे कोई बड़ा गुनाह सरजद नहीं हो सकता इसलिए हजरत आदम की यह थी यानी गलती दर हकीकत इतिहादी गलती सोच की यह गलती कि अल्लाह ताला के हुक्म को शैतान के बहकाने से एक खास वक्त तक महदूद समझ लिया वरना अल्लाह ताला की खुले नाफरमानी का हरगज़ इनसे से तस्वुर नहीं किया जा सकता ताहम चूँकि यह कसूर भी एक पैगम्बर के शायान शान ना था इसलिए उसे बौज़ आयात में गुनाह या हुक्म अदूली से ताबीर किया गया है और उस पर तोबा की तलकीन फरमाई गई है साथ ही ज़ेर नज़र आयत में यह वाज कर दिया गया है कि अल्लाह ताला ने उनकी तोबा कबूल फरमा ली और इस तरह उस ईसाई अकीदे की तरदीद फरमा दी कि जिसका कहना यह है कि आदम का यह गुना हमेशा के लिए इंसान की सरशस्त में दाखिल हो गया जिसके नतीजे में हर बच्चा माँ के पेंट से गुनाहकार पैदा होता है और उस मुश्किल के हल के लिए अल्लाह ताला को अपना बेटा देना दुनिया में भेज कर उसे कुर्बान करना पड़ा ताकि वह सारी दुनिया के लिए कुफार बन सके क़ुरान करीम ने दो टोक अल्फाज में ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने उनकी तोबा कबूल फरमा ली इसलिए ना वो गुनाह बाकी रहा था ना उसकी औलाद आदम की तरफ मुंतकिल होने का सवाल है क्योंकि अल्लाह ताला के कानून अदल में एक शख्स के गुनाह का बोझ दूसरे के सर पर नहीं डाला जाता